हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पेंट की साइड पॉकेट बनाने के तीन बेहतरीन तरीके बताने वाले हैं। तीन बेहतरीन तरीकों से हम आज पेंट की साइड पॉकेट बनाना बताएंगे। तो इस तरह से हमने पार्ट को ले लिया है, इस पर हमने पॉकेट का मुंह का निशान लगा लिया है। तो यहाँ से हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं और इस पार्ट को हम इस तरह से उल्टे और सीधे हिस्से पर मार्किंग कर लेते हैं, जिससे हमें मालूम रहेगा। अब पॉकेट बनाने के लिए इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई हम आपको नाप कर दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम पहला तरीका बता रहे हैं ये भी कमाल का है, दूसरा भी तरीका हमारा कमाल का है, और जो लास्ट में हम जो आपको तरीका बताएंगे वो सबसे बेस्ट तरीका है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब इसकी पॉकेट को हम क्या करेंगे, यानी जो पॉकेट का हमारा कपड़ा है, इस कपड़े को हमें क्या करना है, सीधा बिछाना है। इस तरह से पॉकेट को कपड़े को हमें सीधा रखना है, और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है, जिस पार्ट में हम पॉकेट को बना रहे हैं, उस पार्ट को हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है। जहां पर हमने पॉकेट का मार्क किया हुआ है, यानी जो चटके लगाए हुए हैं, उसके एकदम सेंटर पर इस तरह से हम मार्किंग करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब इस मार्जिन को हम क्या करेंगे, एक पैर का मार्जिन लेकर बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। अब ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन को हम फ्रंट के पार्ट की तरफ करेंगे, इस तरफ। और जैसे आपको इसमें कोई बॉन नहीं निकालनी है, तो आप सीधा इसको पकड़कर सिलाई लगा सकते हैं। और बॉन निकालनी है तो हम इसमें एक सूत की बॉन निकाल रहे हैं, तो इस तरह से हम बॉन को निकालेंगे और लकी सिलाई से इसको पकड़ कर लेंगे। अब इस तरह से हम इसकी पॉकेट को बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको उल्टी की तरफ इस तरह से फोल्ड किया और यहां पर हम इस तरह से मार्क करेंगे और इसको हम कट करेंगे। इस पर एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम पलट लेते हैं, पलट कर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब इस पॉकेट के कपड़े को हम अच्छी तरीके से संभाल कर रखेंगे और अच्छी तरीके से बिठा लेंगे। इसको आपको ना खींचना है ना ही इधर उधर करना है, जहां पर आपकी पॉकेट बैठ रही है वहां पर आप अच्छी तरीके से पॉकेट को बिठा देंगे। और इसके हम नीचे जो हमारा साइड का मुंह है, तो यहां से हम सिलाई लगाएंगे और इसको हम बंद कर लेंगे। और ऊपर की तरफ हम टांकी लगाएंगे, तो यहां से हम 1 इंच का मार्क कर लेते हैं, 1 इंच पर टांकी लगाएंगे। इस पॉकेट के मुंह को हल्का सा खींचेंगे, इससे ये होगा कि आपकी जो पॉकेट है कभी भी इसका मुंह नहीं फूलेगा और पॉकेट अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। और यहां पर अच्छी तरीके से हम इसकी टांकी को लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पॉकेट का मुंह बन गया है। पॉकेट के मुंह बनने के बाद फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, ये हमारा जो कपड़ा है इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं, जिससे हमारा जो कपड़ा है अच्छी तरीके से बैठा रहता है। अब पॉकेट के कपड़े को हम इस तरह से बिठा लेंगे और ऊपर भी हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अब इसके मार्जिन को हम कट कर देंगे। अब इस पार्ट पर हम मार्किंग करेंगे, तो जितनी भी आपकी कमर है उसका 1/4 करेंगे प्लस 1 इंच मार्जिन का ले लेंगे, और बाकी का जितना भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी पहली पॉकेट बनकर रेडी हो जाती है। तो इस तरह से आप पॉकेट को बनाएंगे, ना ही आपके पॉकेट में कोई दिक्कत आएगी और पॉकेट आपकी एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाएगी। तो ये तो हमारा पहला तरीका है। अब फ्रेंड्स, हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे पॉकेट बनाने का। तो इस तरह से हमने पॉकेट बनाने के लिए इस तरह से कपड़ा ले लिया है, यानी अस्तर ले लिया है। तो फ्रेंड्स, इस पर हमने मार्किंग कर ली है उल्टे हिस्से पर, और ये हमने फ्रंट का पार्ट ले लिया है। तो इसको भी हम इस तरह से दिखा देते हैं, इस पर हमने चटके लगाए हुए हैं पॉकेट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, हम अस्तर के कपड़े को इस तरह से लेंगे। इससे हमारी जो लंबाई है वो है 13.5 इंच और चौड़ाई हमने रखी हुई है 7 इंच। अब इसमें हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ पहले ही हम इसमें राउंड राउंड दे देते हैं। तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे और इसमें राउंड दे देंगे। अब इस कपड़े को हम क्या करेंगे, इस तरह से हम उल्टा रखेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट के पार्ट पर मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इस कपड़े को हम इस तरह से इसके ऊपर सीधा रखेंगे, यानी पॉकेट का जो कपड़ा है वो हमने उल्टा रखा हुआ है और फ्रंट का जो कपड़ा है उसको हमने सीधा रखा हुआ है। और इस तरह से जो हमने चटके लगाए हुए थे, यहाँ पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और एक सिलाई हम यहाँ पर लगा लेते हैं।
इस तरह से हम सिलाई को लगाएंगे। सिलाई आपकी एकदम सीधी लगनी चाहिए। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है तो इस वाले पार्ट को हम निकाल लेंगे और नीचे का जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी सिलाई है तो हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इस पर हम एक पैर का मार्जर लेकर सिलाई को लगाएंगे। पॉकेट पर्स जो है सिलाई को लगा देना है। अब दोस्तों ये जो हमारे पास कपड़ा है, जो हमारी ये जाती है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको हम पक्का कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है सिलाई लग गई है। अब दोस्तों हम इसको पॉकेट को पक्का करेंगे। तो इस तरह से उल्टी साइड की तरफ हमने इस तरह से पलटा है, यानी जो हिस्सा है हमारा पॉकेट का वो ऊपर जो है वो सीधा है और एक पैर का मार्जर लेकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस पर लपकी सिलाई लगाएंगे और पॉकेट को पक्का कर लेंगे। अब इस कपड़े को हम अच्छी तरीके से बिछा देंगे, यानी इसको हम अच्छी तरीके से बिछाएंगे और पॉकेट को हमें जहां पर जमाना है उस तरह से हम इसको जमा लेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को अच्छी तरीके से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से सिलाई लगानी है। पॉकेट के कपड़े को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, जहां पर आपकी पॉकेट बैठती है वहां पर आपको बिठा कर इस तरह से सिलाई को लगा देना है। अब ऊपर से हम इसकी टांकी को बांधेंगे। तो हम यहाँ से ऊपर से 1 इंच टांकी को बांधेंगे। तो इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर हम इस पॉकेट के जो मुंह है इसका, इसको हम हल्का सा खींचेंगे और यहाँ पर हम टांकी को लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने पॉकेट का मुंह बना लिया है। बनाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉकेट का कपड़ा है तो इस कपड़े पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। अच्छी तरीके से पार्ट को हम इसके ऊपर बिछाएंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। और जो हमारा ये मार्जिन है, इस मार्जिन को हम कट कर देंगे। अब फ्रेंड्स जितनी भी आपकी कमर है उसका 1/4 करेंगे और प्लस 1 इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें मार्किंग कर लेंगे। तो और बाकी के जो बचे हुआ हमारा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी जो है दूसरे नंबर की पॉकेट बनकर रेडी हो गई है। तो ये हमारा दूसरा तरीका था, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये आपको तरीका कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों हम आपको तीसरा तरीका बताएंगे, जो सबसे बेस्ट तरीका है हमारा पॉकेट बनाने का। तो इस तरह से पॉकेट बनाने के लिए हमने फैब्रिक ले लिया है, यानी कपड़ा ले लिया है पॉकेट का। तो इसकी भी लंबाई और चौड़ाई आपको नाप कर दिखा देते हैं। अब इसके बाद हम इस तरह से एक जाती को ले लेंगे। तो इसको हम अटैच करके बनाएंगे। अब इसके बाद हम इसके पार्ट को ले लेंगे जिसमें हमें पॉकेट को बनाना है। तो इस तरह से हमने ये पार्ट ले लिया है, ये पार्ट का हमारा पॉकेट का जो हमने मुंह लगाया है, लंबाई का निशान लगाया हुआ है। तो हम एक बार नाप कर दिखा देते हैं। तो इस तरह से जो हमने लंबाई का निशान, पॉकेट की मुंह का निशान लगाया हुआ है 2.5 इंच और लंबाई का निशान 7 इंच पर लगाया हुआ है। तो इस तरह से हम नाप कर आपको दिखा देते हैं। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कपड़ा है तो इस कपड़े को हमें क्या करना है, इस तरह से ये हमारा जो है सीधा हिस्सा है और ये उल्टा हिस्सा है। तो इस कपड़े को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, इस पर इस तरह से उल्टा रखेंगे। और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है तो ये पार्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सीधा रखेंगे। ये हमारा सबसे बेस्ट तरीका है। यदि आप इस तरह से पॉकेट को बनाते हैं तो आपकी पॉकेट भी अच्छी तरीके से बनेगी। और बाकी के आप जिस भी तरीके से पॉकेट को बनाते हैं, सारे जो है हमारे बेस्ट तरीके हैं। बस आप ये बताइए कि आप कौन से तरीके से पॉकेट को बनाते हैं। तो इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद ये हमारी जो पास जो जाति का कपड़ा है तो यहाँ से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाएंगे। और जाति के कपड़े को आपको थोड़ा सा हल्का सा खींच कर रखना है, मामूली सा। एक पैर का मार्जिन लेकर हम इस तरह से सिलाई को लगा देंगे। सिलाई को लगाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस कपड़े को हम इस तरह से कट कर देंगे, यानी जो हमारा कपड़ा है बचा हुआ इसको हम कट कर देंगे। और यहाँ से इस तरह से ये जो मार्जिन है ये हमारा फ्रंट की तरफ जाएगा और इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। अब जैसे आपको इसमें बॉन निकालनी है तो आप बॉन भी निकाल सकते हैं।
और जैसे आपको इसमें कोई बॉन नहीं निकालनी है तो आप पूरा कपड़ा जाति का पलट सकते हैं। तो इसमें हम बॉन निकालेंगे तो यहाँ से एक सूत का मार्जन हम इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से सिलाई को इसमें लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस तरह से कपड़े को खोल कर रखेंगे और ये हमारी जो हमने जाति अटैच की हुई है तो इसको भी हम पक्का कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारा सीधा हिस्सा है। तो इस तरह से हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। अब नीचे के पार्ट को हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से ये सीधा हिस्सा है और इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से उल्टे हिस्से की तरफ फोल्ड करेंगे और यहां पर हम राउंड में मार्किंग करेंगे और इसको हम कट कर लेते हैं और एक पैर का मार्जिन लेकर हम यहां पर सिलाई लगाएंगे। इसको हम पलट लेते हैं अच्छी तरह से, इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई आप लपकी भी लगा सकते हैं और एक पैर का मार्जिन लेकर भी सिलाई को लगा सकते हैं, जिस तरह से आपको लगाना है उस तरह से आप लगा सकते हैं। अब इस कपड़े को हम अच्छी तरीके से बिठा लेते हैं, यानी पॉकेट के पार्ट को हम अच्छी तरीके से बिठा लेते हैं इस तरह से। आपको बिल्कुल भी पॉकेट के मुंह को इधर उधर नहीं करना है, जहां पर आपकी पॉकेट बैठती है तो वहां पर ही आपको बिठा लेना है। जैसे आप पॉकेट के मुंह को इधर उधर करेंगे तो आपकी पॉकेट में फुलाव आने लगेगा। इस तरह से हम नीचे के साइड से इस तरह से पॉकेट के मुंह को बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर हम टाँकी लगाएंगे। तो पॉकेट के मुंह पर हम इस तरह से टाँकी लगाएंगे तो एक इंच का मार्जन यहाँ पर करेंगे, मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम यहाँ पर टाँकी को बांधेंगे। अब इस कपड़े पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं, जिससे हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छी तरीके से बैठ जाता है। पॉकेट के कपड़े को हम इस तरह से अच्छी तरीके से बिठा लेंगे और ऊपर से भी हम इसको बंद कर लेते हैं। और ये जो हमारा मार्जिन है, इस मार्जिन को हम कट कर देंगे। अब यहां से आपको कमर का निशान लगाना है, तो जितनी भी आपकी कमर है उसका 1/4 करेंगे प्लस 1 इंच का मार्जिन लेंगे और बाकी का जो भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको आपको कट कर देना है। तो जैसे हमारी कमर 34 इंच है तो 34 का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच। तो 8.5 इंच प्लस 1 इंच का हम इसमें मार्जिन ले लेते हैं। तो इस तरह से 9.5 इंच हम पार्ट को रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से, ये हमारा इतना एक्स्ट्रा है तो इसको हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी जो है पॉकेट बनकर रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स यदि आप इस तरह से पॉकेट को बनाएंगे, ना ही आपकी पॉकेट का मुंह फूलेगा और ना ही आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी और एकदम फिनिशिंग के साथ आपकी जो है पॉकेट बनकर रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हमारे 3 तरीके से पॉकेट को बनाया जाता है। आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा यदि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।